हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके सिस्टम में जितने भी प्रोसेस रन कर रहे हो उसको आप कमांड प्रॉम्प्ट के हेल्प से कैसे एक जगह सेव करके देख सकते हैं, और अगर वहाँ कोई ऐसी इनवैलिड फाइल है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे वायरस वगैरह भी कभी कभी रन करने लगते हैं हमारे सिस्टम में, तो वैसे इसको देखने के लिए तो और भी तरीके हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। तो चलिए ऐसे एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो एक तरीका तो ये है आपका कि राइट क्लिक करिए यहाँ नीचे, और यहाँ पे आपको दिखाएगा टास्क मैनेजर, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप प्रोसेसेस में जाएंगे तो ये सारे जितने भी प्रोसेस अभी करंट टाइम में आपके सिस्टम में रन हो रहे हैं वो शो कर रहे हैं, ठीक। और दूसरा यह है कि आप CMD के थ्रू कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप CMD को एज अ कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिए। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ब्लैक स्क्रीन ओपन हो गई है। तो फिर आपको यहाँ पे जो कमांड लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले टास्क लिस्ट, फिर आपको ये ग्रेटर देन का साइन लगाना है, फिर आपको यहाँ पे उस ड्राइव का नेम लिखना है जहाँ पे इस प्रोसेस को आप सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ लिखिए C:, फिर आपको यहाँ लगाना है \\, और अब आपको यहाँ पे उस फाइल का नेम देना है जिस नेम से आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं अपने ड्राइव में। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ P:\.txt। ये एक्सटेंशन लगाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि डॉक्यूमेंट के लिए टेक्स्ट TXT का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए तो आपकी ये जो फाइल है वो सी ड्राइव में आ गई होगी। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो आप अपने डिस्क PC में जाइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल शो कर रही है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जितने भी प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, जैसे जो भी इमेज नेम, PID, सेशन नेम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सब सेव हो गए हैं। तो आप जैसे चाहें इनको देख सकते हैं और जो फाइल चाहें आप डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।